लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, गोरखपुर में ललकारते हुए आज अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है कि दरअसल यूपी बीजेपी के दो बड़े नेता आज आजमगढ़ में इसलिए पहुंचे हुए हैं क्योंकि वो मेरे द्वारा कराए गए कामकाज को देख सके। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, ऐसा है, दिल को खुश रखने के लिए अखिलेश ये ख्याल अच्छा है। क्यों हालत हुई समाजवादी पार्टी की ऐसी, ये सब जानते हैं। किस तरह का गुंडा राज था। अतीक अहमद मुख्यमंत्री के साथ उन्हीं की कार में बैठकर जाते थे। मौलाना नजीर, जिनके ऊपर आरोप लगे थे मुजफ्फरनगर दंगों के, वो चौपर में बैठ के खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने आते थे, बुलाए जाते थे। आज बदला क्या है? गुंडा जो है वो डर के जेल की सलाखों के पीछे है, चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो। परिवारवाद, चाहे वो राहुल गांधी सोनिया गांधी का हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव का हो, वो खत्म हुआ और दिखाया है किस तरह से जिसमें योग्यता होगी वो आगे बढ़ेगा। और जो जैम का उदाहरण दिया कि जनधन अकाउंट, आधार कार्ड और मोबाइल फोन, इसकी ये जो ट्रिनिटी हम कहते हैं, उससे गरीब का, शोषित वर्ग का जीवन बदला। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 19 लाख करोड़ रुपए पूरे भारत में सीधा गरीब के खाते में गया है और बिना भ्रष्टाचार के एक रुपए के भी। और इनका जैम जो बताया, अखिलेश यादव को चुनाव के समय में जिन्ना अच्छे लगने लगे, जिन्ना। और आप बताइए, सरदार पटेल से उनकी तुलना कर डाली। और चित्रा जी, महिला और बच्चों की बात भी कर लेते हैं। गायत्री प्रजापति, जिनको अखिलेश यादव ने मंत्री पद से हटाया था और उसके बाद मजबूरी में 3 दिन बाद दोबारा बनाया था, उनको सजा हुई है कि उन्होंने गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार किया चित्रकूट की एक बहन के साथ। और पॉक्सो, बच्चों को जो बचाने के लिए कानून है, उसमें सजा हुई है। अखिलेश यादव कुछ बोलेंगे कि गायत्री प्रजापति को वो मंत्री बनाते थे बार बार। आज न्यायालय ने कहा है कि यही जो रक्षक होने चाहिए थे, भक्षक बने हुए थे, महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे थे। हाँ। आशुतोष वर्मा जी, इस पर जवाब दीजिए। और आज गृह मंत्री की ओर से आजमगढ़ में ये भी कहा गया कि आजमगढ़ आतंकवादियों की पनाहगाह हुआ करता था, लेकिन आज बीजेपी की सरकार में किस तरह से शांति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, और जो बातें गौरव भाटिया जी ने कही है उस पर भी प्रतिक्रिया दीजिए अपनी। धन्यवाद चित्रा जी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को मैंने पहले भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी में एक सीख सिखाई जाती है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो और तेज से बोलो, टीवी में बोलो, होर्डिंग लगा लगा के बोलो। और हमने भी एक जैम का मतलब निकाला है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए है कि झूठ फैलाने वाले, अराजकता फैलाने वाले और इस देश को महंगाई में ढेलने वाले, भारतीय जनता पार्टी के जैम लगा रखा है इन्होंने। चित्रा जी, आज आजमगढ़ की जो रैली हुई है जिसमें भारत के गृह मंत्री गए हैं, उसकी हालात ये है कि कल वहां के अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियों में लिखा था कि आजमगढ़ के जो डीएम है राजेश कुमार जी, उन्होंने भीड़ जुटाने के लिए पीडब्ल्यूडी से 40 लाख रुपए परिवहन निगम को दिए हैं कि भाई बस भर के बाहर से लेके आओ, हाथ जोड़ दाओ, इज्जत बचाओ मेरी। तो ये है आजमगढ़ की स्थिति, और आज जो रैली है वो आपने देखी। और ये बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बात को साथ रख रहे थे, जब आजमगढ़ जाते हैं तो आजमगढ़ में जो मुलायम सिंह यादव ने और माननीय अखिलेश यादव ने जो काम किया है, चाहे रीजनल डायग्नोस्टिक सेंटर हो, चाहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, चाहे प्रेक्षागृह हो, चाहे जिला महिला चिकित्सालय हो, चाहे चीनी मिल का निर्माण किया गया हो, डेयरी स्थापना की हो, अतरौलिया में 100 बेडेड सैया अस्पताल बनाया गया हो, ट्रॉमा सेंटर दिया हो और आजमगढ़ का रोडवेज दिया हो, वो अखिलेश यादव को दिखाता है। और भारतीय जनता पार्टी 2017 में जो भीषण बहुमत में आई थी, आजमगढ़ की 10 में से 9 सीटें हार गई थी, 9 सीटें हार गई थी, और ये आजमगढ़ में विफल बताने गए। मैं तो कहता हूँ गोरखपुर संभालो, जो बाबा राघव दास राम प्रसाद मिसमिल की जो है जन्मस्थली है, उसको चरण वंदन करो। और वहां के लोगों का आज अखिलेश यादव जी के साथ जो हुजूम था, उसने बता दिया है कि गोरखपुर से ही निकल